अस्सलाम वालेकुम। होपफुली लास्ट टू वीडियो से आपने काफी कुछ लर्न किया होगा। आज भी हम 10 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा लास्ट 20 वर्ड से। सो फर्स्ट वर्ड इज अबेजमेंट। ये नाउन है, इट मीन्स ह्यूमिलिएशन और डिग्रेडेशन। उर्दू में जिल्लत कहते हैं जिसको। इसका एंटोनिम होगा ऑनर या फिर प्रेज। जब हम किसी को इज्जत देते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। और ये चीज नोट डाउन कर लें कि अबेजमेंट नाउन है, अगर अबेज होगा तो वो वर्ब होगा। ये डिफरेंस आपने ये चेक करना है। द नेक्स्ट इज बिलोइंग। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई चीज फूली हुई, स्वेल हुई हुई, या कोई फ्लटरिंग कर रही हो चीज, तो उसके लिए भी बिलोइंग वर्ड यूज होता है। इसका ऑपोजिट होगा, एंटोनिम होगा टाइट या फिर फर्म। देन वी हैव कवर। ये वर्ब है। अब इसी के प्रोनाउंसिएशन अगर देखें तो इससे मिलता जुलता वर्ड हमने पढ़ा था, जो जो सेम साउंड हो रहा था, लेकिन स्पेलिंग से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये डिफरेंट है। दिस इज अनदर वर्ड। कोवर्ट मीन्स रिकॉइल इन फेयर और सर्विलिटी, श्रिंक अवे फ्रॉम। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि खौफ से दुबक के बैठ जाते हैं, खौफ से घबरा जाते हैं, तो वो वाला वर्ड है कोवर। और इसका एंटोनिम होगा राइज और स्ट्रेटन अप। जब आपको किसी का कोई खौफ नहीं होता, किसी इंसान का, किसी चीज का, तो फिर आप में एक कॉन्फिडेंस आता है और आपके उसमें एक्शन में भी वो चीज नजर आ रही होती है। द नेक्स्ट इज इनहांस। इनहांस काफी कॉमन वर्ड है, वर्ब है ये भी, एक्शन वर्ड। इट मीन्स टू इम्प्रूव और मेक बेटर और क्लियरर, किसी चीज को बेहतर करना, इनहांस। और इसका एंटोनिम क्या होगा, मार और डिमिनिश। किसी चीज को बिगाड़ देना, ये मार इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हैरांग। हैरांग नाउन है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जब गुस्से में होते हैं, और ये पब्लिकली यूज होता है। ठीक है, नाउन है तो मतलब अटैकिंग स्पीच या नॉइजी, कोई किसी को ऐसे गुस्से से और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिससे आप दूसरे को ऑफेंड कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। इसका ऑपोजिट होगा, एंटोनिम होगा पैनीजेरिक। विच मीन्स पब्लिक स्पीच इन प्रेज ऑफ समथिंग, जब हम पब्लिकली किसी की तारीफ करते हैं। देन वी हैव लैबरिंग। ये भी नाउन है, इट मीन्स अ मेज। जैसे अच्छा ये देखें, ये मेज रनर एक गेम होती है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। मूवी भी थी मेज से रिलेटेड, तो वो लैबरिंथ होता है। तो इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, क्लैरिटी।
नेक्स्ट इज नलिफाई. ये वर्ड है, इट मीन्स टू काउंटर और मेक अनइम्पोर्टेंट. इसका सिनोनिम होगा मेक अनइम्पोर्टेंट किसी चीज को नलिफाई कर देना, कि मतलब उसकी हैसियत को खत्म कर देना. इसका एंटोनिम होगा रेटिफाई और वैलिडेट. देन अनदर इंटरेस्टिंग वर्ड प्लेंटिफ, या आप काफी पढ़ते भी होंगे, फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, लॉ की टर्म है, नाउन होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. मीनिंग देखें, पिटिशनर या इन कोर्ट ऑफ लॉ, और उर्दू में जो है आप कहते हैं मुद्दई. इसका ऑपोजिट कौन सा होगा? इसका एंटोनिम होना चाहिए डिफेंडेंट और सस्पेक्ट. मुद्दा अलह जिसे बोलते हैं उर्दू में. द नेक्स्ट वर्ड इज रिप्लीट. ये एडजेक्टिव है, इट मीन्स फुल. और इसका एंटोनिम होगा एम्प्टी, या फिर लीन बी वर्ड यूज करते हैं इसका एंटोनिम. एंड लास्ट वन इज वेरी इजी, बहुत कॉमन है, टैंजिबल. ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है और एज ए नाउन भी यूज होता है. कोई भी चीज जो टच कर सकते हैं उसके लिए टैंजिबल वर्ड यूज होता है. उर्दू में कहते हैं ठोस, जो हम अपने सेंसेस से उसको फील कर सकते हैं. इसका ऑपोजिट होगा, एंटोनिम होगा इनटेंजिबल. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था. टेक केयर, अल्लाह हाफिज.